अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैंने बनाई ये चिकन तहारी। ये कैसे बनती है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये 300 ग्राम चिकन और ये 300 ग्राम ही राइस है और ये है हल्दी है हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। एक आलू है, ये 2 छोटी प्याज स्लाइस की हुई और ये 3 हरी मिर्चें बीच में से कट की हुई, ये अदरक लहसुन है 1 टीस्पून, एक टमाटर है कटा हुआ और ये दही है जिसमें से हम 2 टेबलस्पून डालेंगे, 2 या 3 टेबलस्पून। चलो तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुकर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल में 4 चम्मच डालूंगी, आप अपने आपको जितना पसंद हो आप अपना डालो। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 ये दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और 1 टीस्पून जीरा और इसमें डाल देंगे ये प्याज। प्याज डाल के इसको भूनेंगे लाइट पिंक होने तक। ये लाइट पिंक हो चुकी है, अभी इसके अंदर हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। और इसको भूनेंगे और अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। और चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे चिकन का पानी ड्राई होने तक। अब ये भून चुका है, इसका पानी ड्राई हो गया, हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये 3 से 4 टेबल स्पून दही है, इसको भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। इसी में अभी हम वो ड्राई मसाले भी डाल देंगे, लाल मिर्च, नमक, धनिया और ये हल्दी, ये सब डालकर इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब इसमें ये टमाटर भी डाल देंगे और इसको टमाटर का पानी सूखने तक अभी इसको अच्छे से हम भून लेंगे, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होने तक भून लेंगे हम इसको। अब इसके अंदर ये आलू भी डाल देंगे और आलू डाल के भी इसको आलू के साथ भूनेंगे अच्छी तरह से। जितना मसाला अच्छा भूनेगा ना उतना ही वो अच्छा टेस्टी बनेगा, इसलिए मसाला भूनना ज़रूरी है। और कुकर में पकाते हैं तो फिर मसाला तो भूनना ज़रूरी है। ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इसके अंदर ये डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे गार्निश में, और ये डालेंगे चावलों का डबल पानी और इसको बॉईल आने देंगे, फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे धोकर। ये बॉईल आ चुका है, अभी हम इसके अंदर ये राइस डाल देंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसको डाल देंगे इसमें। हिलाएंगे इसको हल्के हाथ से, अब हम ये कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 3 प्रेशर लेंगे और बंद कर देंगे। ये तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए
देखो ये तैयार हो चुका है, ये अच्छे बने इसके अंदर बिल्कुल खिले खिले से। अभी मैं इसको सर्व करके, तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन गए हैं, अब मैं इसको सर्व करके और अब हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कमेंट में बताना कि कैसी बनी है, और दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।